शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, वंशीय शासन। तो शिशुनाग की बात करेंगे, सबसे पहला शासक जो होगा शिशुनाग होगा। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश के अनुसार हर एक वंशीय मगध शासक नागदशक को ठीक है सत्ताच्युत कर काशी पर प्रतिपाल शिशुनाग, शिशुनाग मगध का राजा बना, ठीक है ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नागदशक को हटा के शिशुनाग जो था मगध का राजा बना। शिशुनाग के राज्यारोहण के साथ मगध में ठीक है शिशुनाग वंशीय शासन का मतलब क्या होता है, प्रारंभ होता है। सिंहली बौद्ध ग्रंथों के अनुसार शिशुनाग ने 18 वर्षों तक शासन किया, ठीक है ध्यान रखेगा। शिशुनाग ने अपनी राजधानी गिरिवराज राजगीर के निकट ठीक है स्थापित की अपने पुत्र ठीक है काकवन को काशीराज का मतलब क्या बनाया, तो प्रांतपति बना दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। उसके शासनकाल में मगध में दो राजधानियां थी, एक गिरिवराज थी तो दूसरी वैशाली थी। ठीक है, इसी के साथ मगध की दो राजधानी में एक गिरिवराज जो कि राजगीर थी, दूसरा राजधानी वैशाली थी। वैशाली बाद में उसकी वास्तविक राजधानी रही, ध्यान में रखेंगे। शिशुनाग एक महत्वाकांक्षा शासक था, अपने शासनकाल में अनेक युद्ध द्वारा उसने मगध का सीमा विस्तृत किया। उसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना अवंती पर विजय प्राप्त करके उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। ठीक है, अवंती पे ठीक है कोई भी नहीं जीत पाया था, अजातशत्रु भी नहीं जीत पाया था और बिंबिसार नहीं, लेकिन ये मतलब क्या करता है शिशुनाग अवंती को मतलब विजयी कर लेता है। ठीक है, उसके बाद काला अशोक या फिर काकवर्ण, काला अशोक किसका नाम था, किसका नाम था, मतलब काकवन। काला काकवन का ही नाम था। ठीक है, ध्यान, पुरानों में इसको काकवन कहते थे। बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के बाद काला अशोक उसका उत्तराधिकारी हुआ। महावंश में उसे काला अशोक तथा पुरानों में काकवन कहा गया। ठीक है, तो महावंश जो बौद्ध ग्रंथ है, कैसा ग्रंथ है महावंश, कैसा ग्रंथ है महावंश, बौद्ध, कैसा बौद्ध ग्रंथ है, सिंहली बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध कैसा ग्रंथ सिंहली बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में भी सिंहली याद रखिएगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। उसमें मतलब इसको क्या कहा गया है, इसको काला अशोक कहा गया, जो कि पुरानों में क्या कहा गया काला अशोक को, तो काक वर्ण काकवन। कहा गया है, ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे चलेंगे, तो आगे क्या प्रश्न है। काला अशोक बौद्ध था, उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म द्वितीय बहुसंगीति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। इस बहुसंगीति के पश्चात बौद्ध संघ स्थविर और ठीक है महासंगिक में विभाजित हो गया। बाद में यही जो था हीनयान और महायान के रूप में पहचान बनाई। ठीक है, तो हीनयान और महायान दो मतलब बौद्ध संघ, ठीक है मतलब दो मतलब बौद्ध संप्रदाय बन गया। ठीक है, किसमें, पहला में, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, किसमें बन गया, चौथा बना हीनयान और महायान दो बौद्ध संप्रदाय बन गया, पहला में, चौथा दूसरा में, तीसरा में, चौथा में, किस बहुसंगति में। चौथा। हाँ ठीक है, ये ठीक है, लेकिन अगर पूछेगा महासंधिक और अस्थिविर में किसमें विभाजन हुआ, ठीक है ध्यान रखेंगे दूसरा में ही हो गया था। ठीक है, यही आगे चल के हिनयान और महायान बन गया। ठीक है, अस्थिविर और महासंधि ये दूसरा में ही हो गया था। अब फिर बाण भट्ट द्वारा रचित हरचरित के अनुसार काकवन की हत्या धोखे से महापदम के द्वारा कर दी गई, चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है, महापदम ने जिस वंश को नींव रखा, ठीक है, वंश को किस वंश के नाम से जानते हैं, तो नंद वंश के नाम से जानते हैं। इसको पूरा नाम क्या था, महापदम नंद। नाग वंश को अंत किसने किया, शिशुनाग वंश का अंत किया महापदम नंद ने, और उसको नंद वंश कहा जाता है। ठीक है, जिसने महापदम ने जिस वंश की नींव रखी उसको नंद वंश कहते हैं। महापदम धृढ़ और योग्य शासक था, उसका राजकोष भरपूर सोना और बलशाली एवं प्रचंड थी। अपनी अपार संपत्ति बल के कारण वह महापदम कहलाया, उसे उग्रसेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, उग्रसेन बिल्कुल उग्रसेन भी कहते हैं। महापदम ने इच्छामुख, पंचाल, कुरु, हई, सूरसेन, मैथिल तथा कलिंग आदि राजाओं को विजित किया। जैन ग्रंथ ठीक है प्रशस्ति वर्मन में उसका राज्य ठीक है समुद्र पर्यटन विस्तृत किया गया। समुद्र पर्यटन क्यों कहा गया है, कलिंग को जीतने के लिए। ध्यान में रखिए, अगर पूछेगा कलिंग को सबसे पहले किसने जीता, तो महापदम नंद ने जीता, इंपोर्टेंट है, यहाँ से यही परम पूछता है। ठीक है, पूछता कलिंग पर विजय किसने किया सबसे पहले, तो महापदम नंद ने किया। ठीक है, इसीलिए इसकी जो भी राज्य का सीमा समुद्र से लग जाता था, इसलिए इसे समुद्र प्रत्यन विस्तृत भी कहते थे। ठीक है, अशोक कलिंग को क्यों जीतना चाहता था, यही रीजन था, क्योंकि कलिंग जो था दक्षिण भारत का रास्ता खोल देता था जाने के लिए, समुद्र से इसकी सीमा लग जाती, इसलिए अशोक जो था कलिंग पर विजय पाना चाहता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे, महापदम के काल में मगध का साम्राज्य उत्तर पश्चिमी में सतलज और ब्यास नदियों तक विस्तृत था। साथ ही राजस्थान का पूर्वी भाग मालवा नर्मदा नदी, दक्षिणा पथ में गोदावरी, कृष्णा में तुंगभद्रा नदियों तक प्रवेश तथा कलिंग भी मगध के अंग बन गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ध्यान में रखेगा। ये जो इनका जो राज्य था महापदम नंद का जो राज था, वो दक्षिण में मतलब यहाँ कलिंग तक जाती थी। ठीक है, हाँ दक्षिणा पथ ठीक है ध्यान रखिए, वहां पे गोदावरी, कृष्ण, नर्मदा,
तुंगभद्रा नदियों तक का प्रदेश था, कलिंग भी मगध के अंग बन गए थे इसके समय में। पुराने में इसको सर्व छत्रांतर कहा गया है, ठीक है, अर्थात सब क्षत्रियो का नाश करने वाला, ठीक है, मतलब क्षत्रियो को नाश करता था क्योंकि क्षत्रिय नहीं था। बताए थे रीजन क्या था इसका। बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया, ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया, उग्रसेन कहा गया। पुराणों में क्या कहा गया, सर्व छत्रांतर कहा गया है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। महापदम के समय में, ठीक है, क्षत्रिय रक्त पर अभियान करने वाले राजवंशों का अखंड परंपरा का अंत हो गया। पुराने में उसे कली या अंत सभी शत्रुओं का नाश करने वाला सर्व छत्रांतक, ठीक है, दूसरा परशुराम अवतार एकाराट, ठीक है, अलुंगिया शासक आदि की उपाधि से मतलब इसे संबोधित किया गया, मतलब इन्हें बहुत सारे क्षत्रियों का नाश भी किया था, ठीक है। महापदम ने सारे साम्राज्य के एक मानक के नाप तोल चलाए और नए सिरों से चुंगी की व्यवस्था की, मतलब सारे साम्राज्य में, ठीक है, एक प्रकार का नाप तोल की व्यवस्था प्रणाली से, मतलब एक जगह जो वेट रहेगा दूसरे जगह भी सेम अलग अलग नहीं रहेगा। शिल्प वाणिज्य वाणिज्य व्यापार को मतलब प्रोत्साहित किया। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख, ठीक है, ध्यान रख इंपोर्टेंट है, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में अभिलेख से महापदम द्वारा कलिंग विजय जैन मुनि जीन सेंसी एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा उठा ले जाने तथा कलिंग में एक नहर निर्माण करवाने की भी जानकारी आपको देखने को मिलती है। तो ध्यान में रखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख से क्या क्या प्रश्न पूछता है, तो सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किसमें है, हाथी गुफा में भारतवर्ष का जिक्र की बात करेंगे किसमें है, तो हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र आपको देखने को मिलता है। जैन मुनि जिनसेन की एक जैन तीर्थंकर की प्रतिमा उठा ले जाने तथा कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाने की जानकारी भी आपको यहीं से प्राप्त होती है, ठीक है। मत्स्य पुराण के अनुसार महापदम ने 28 वर्षों तक मतलब क्या क्या शासन किया। बौद्धगण महाबोधि वंश में नंद शासकों के नाम इस प्रकार मिलते हैं, ठीक है, तब नंद शासकों के नाम तो जानते, पहला तो कौन होगा पता ही होगा, ठीक है, मतलब इसके बाद उग्रसेन हो जाएगा, पांडुक हो जाएगा, पांडुगति हो जाएगा, भूतपाल हो जाएगा, राजपाल हो जाएगा, योगिसनाक हो जाएगा, ठीक है, दशदिक होगा, कैवर्त होगा, अंतिम कौन का था, टोटल 10 हुए, ठीक है, कितने हुए टोटल नंद वंश में, टोटल के हिसाब से कितने, 10, 10 में कौन थे, घनानंद। हमारा प्रश्न आएगा दो ही से आता है, हमारा प्रश्न या तो महापदम नंद से आएगा या फिर घनानंद से आएगा, ठीक है, जिसको धनानंद कहते थे, धनानंद कहते थे, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था जो सिकंदर का समकालीन, ये भी पूछा जाता है धनानंद किसका समकालीन था, तो सिकंदर का समकालीन था। यूनानी लेखों ने इसे क्या अग्रमीज कहा, क्या कहा, यूनानी लेखों ने इसे क्या अग्रमीज कहा, अग्रमीज का मतलब क्या होता, उग्रसेन का पुत्र, ठीक है, जिसके पास अपार अचल संपत्ति थी, ठीक है, ध्यान रखें, यूनानी लेखों ने अग्रमज कहकर किसे संबोधित कहा है, तो घनानंद को अग्रमीज कहा है। यूनानी लेखक काटियस लिखता है कि घनानंद के पास 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल सेना, 2,000 रथ तथा 3,000 हाथी थे, इसी कारण सिकंदर की सेना ने घनानंद की सैन्य शक्ति से भयभीत हो गया था। और सिकंदर की सेना ने भयभीत होकर घनानंद के लड़ने की डर से किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, झेल हाइड हाँ झेलम 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 हाइड्रेटस ऐसे ही करके था वो तो युद्ध का हाइडर नाम है, वो तो युद्ध का तो नाम है, हाइडर ब्यास हाइडर था नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, ठीक है, उल्टा सीधा मत याद कीजिए, कौन सा नदी, सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, ठीक है, सिकंदर की सेना और पौरुष की सेना के बीच में युद्ध हुआ जो कि झेलम नदी के तट पे युद्ध होता है, झेलम को छेलम लिख रहे हैं हम, ठीक है, किस नदी के तट पे युद्ध होता है, झेलम नदी के तट पे युद्ध होता है, ठीक है, इसको हाइडे स्पीच या फिर बितिष्ठा के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है, झेलम के युद्ध के नाम से, बितिष्ठा के युद्ध के नाम से, या फिर हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से इनकार कर दिया, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ब्यास नदी में बहुत ही पानी जो थी स्पीड थी। एनसीईआरटी लिखता है कि सिकंदर के सेना में बहुत सारे लोग जो थे भयभीत हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों के क्या क्या अफवाह फैलाने से, सिकंदर उत्तर भारत में जाएंगे ना लड़ने के लिए, तो वहां पे जो बड़ा बड़ा जो हाथी जो होता है किसी को भी सूर में लपेट के उठा कर फेंक देता है, ठीक है, हाथी जो थी मुंह से क्या निकालती है, तो मुंह से आग निकालती है, ठीक है, ये बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ, छठा या सातवां क्लास के एनसीईआरटी में। ये सारी बातों से मतलब क्या था, सिकंदर के सेना काफी अधिक भयभीत हो गया और मतलब लड़ना ही नहीं चाहता था, ठीक है, इसलिए ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, सिकंदर को वापस भी लाना पड़ मतलब लौटना पड़ा था, ठीक है। भद्रसाल, अगर पूछेंगे घनानंद का सेनापति का नाम क्या है, उसका नाम था भद्रसाल, क्या नाम था उसका,
भद्रशाह। घानानंद का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। धन एकत्र करने की अपार लालसा के कारण उसका नाम क्या धननन पड़ गया। ठीक है, धन का बहुत प्रेमी आदमी था। उसने 80 करोड़ की धनराशि गंगा नदी के तल में चट्टान की गुफा में छुपा रखी थी, समझ रहे, 80 करोड़ की धनराशि उस समय। ठीक है, इस बात का उल्लेख यूनानी लेखकों ने भी किया था। सिकंदर ने धननद की शक्ति का पता तक्षशिला में ही लगा लिया था। ग्रीक इतिहासकारों ने धननद को अग्रमिस अथवा जैन द्रमिस भी कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सिकंदर का जब आक्रमण, जब भारत के जब सीमा पे जब चला था सिकंदर, तो इनसे मिलने जाता है चाणक्य जाता है, जो कि मतलब मगध का एक मतलब ब्राह्मण था, मगध साम्राज्य का। और जाके बताता था सिकंदर से लड़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, मतलब आसपास के जो राजाओं जो था उससे संधि कर लेना चाहिए ताकि घेराबंदी करके हम लोग सिकंदर को पराजित कर सके। लेकिन घनानंद तो अपने अभिमान में चूर होता है, तो वो मतलब बहुत ज्यादा अपमान करता है और चाणक्य को मतलब अपमान करके दरबार से निकाल देता है। तो चाणक्य जो था उसी समय अपना क्या करता है, अपना चोटी जो होता है उस समय रेस्क्यू, तो उसको खोल लेता है, बोलता है तुम्हारा जब नाश होगा तभी जाके मैं चोटी को बांधूंगा। फिर चंदूत मौर्य मिलते हैं चाणक्य को, फिर मतलब चंदूत मौर्य के द्वारा घनानंद की हत्या करके नंद वंश का नाश किया जाता है। मगध पे कौन सा वंश आ जाएगा इसके बाद, तो मौर्य वंश आ जाएगा। अभिमान से बसीबुल अहंकारी घनानंद ने अपने दरबार में चाणक्य विष्णुगुप्त को अपमानित किया। चाणक्य ने प्रतिज्ञा की थी, जब तक घनानंद को सत्ताच्युत नहीं करूं तब तक अपनी चोटी, ठीक है, चुंदी नहीं खुला रखूंगा। ठीक है, बाद में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके नंदवंश की समाप्ति कर दिया। 322 ईसा पूर्व में नंदवंश की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी था, वो पता ही था, कई बार आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंदवंश के शासन में देखेंगे तो नंद राजाओं को जैन अभिरुचि उनकी कल्पक और साल्टल जैसे जैन मंत्रियों से सिद्ध होती है कि नंद शासक जैन धर्मावली थे। ठीक है, मतलब जैन धर्म को मानने वाले थे। पुराने के अनुसार महापद्म ने 28 वर्षों और उसके उत्तराधिकारी ने 12 वर्षों राज्य किया। सिंहली बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सारे नंदों की सम्मिलित राज्य अवधि केवल 22 वर्ष की थी, 22 वर्ष दी हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पुरानों के अनुसार महापद्म ने 28 वर्ष और उसके उत्तराधिकारी ने मात्र मतलब क्या किया, 12 वर्ष तक ही राज किया। ठीक है, और बात करें सिहली बौद्ध ग्रंथों के अनुसार सारे नंदों की सम्मिलित राजावधि मात्र 22 वर्ष ही दी हुई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, नंदों का राजकुल संभवतः 321 से लेकर 322 में पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ठीक है, मौर्य के द्वारा नष्ट किया जाता है। नंद वंश का राजनीतिक महत्व यह कि नंद राजाओं ने भारत का बहुत बड़े भाग पर शासन स्थापित किया और एक राजनीतिक एकता स्थापित करने का सूत्रपात भी किया। मगध आर्थिक दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली साम्राज्य बन गया। आर्थिक आधार पर पाटलिपुत्र को शिक्षा, कला, साहित्य, वाणिज्य, व्यापार और प्रमुख केंद्र बना दिया था। नंद वंश नंद शासक जैन मत के पोषक थे। उनकी पुष्टि विशाखा दत्त की नाट्यकृति मुद्रा राक्षस से भी आपको देखने को मिलती है। हालांकि मुद्रा राक्षस में नंद वंश के अलावा मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, समझ गए। नंद वंश के बाद मगध पे कौन सा वंश आएगा, कौन सा वंश आएगा नंद वंश के बाद? कौन सा, मौर्य वंश आएगा। ठीक है, मौर्य वंश कब आएगा, कहीं पे 321 दिया रहेगा, कहीं पे 322 भी दिया रहता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा, 322 से लेके 298 BC। ठीक है, चलते मौर्य वंश पढ़ते। ठीक है, मौर्य सम्राट का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने मगध सम्राट घनानंद को पराजित कर सत्ता पर आसीन हुआ था। घनानंद पे चंद्रगुप्त मौर्य की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाखा दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में बने थे। इसलिए मैंने बताया था मुद्रा राक्षस में नंद वंश के अलावा, ठीक है, किसके, तो मौर्य वंश की भी जानकारी आपको देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य की सहायता से मगध की राज्य सिंहासन पर 321 ईसा पूर्व में सत्तारूढ़ हुआ था। वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने बृहत्तर भारत पर एक, ठीक है, अपना शासन स्थापित किया था। ठीक है, भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट जो था, एक संपूर्ण भारत का कॉन्सेप्ट इन्हीं के समय में आ गया था। यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त को, ठीक है, एंड्रोकोटस के संबंध में लिखा कि वह एक साधारण परिवार के था। ठीक है, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस भी कहते थे। क्या कहते थे, क्या कहते थे, एंड्रो कोटस। ठीक है, तो यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एक साधारण परिवार का बताया है। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त का लालन पालन, ठीक है, मौर्य ने किया था। मौर्य क्या होता है जानते हैं, मौर्य मोर पक्षी पकड़ने वाला, ठीक है, एक जाति में हुआ था। शिकारी बच्चों के दिन रात वो, ठीक है, राजकीलम नामक एक नाटक खेल रहा था। ठीक है, शिकारी
शिकारी बच्चों के साथ वो दिन वो ठीक है राज किलम नाटक खेल रहा था जिससे वह राजा बना था। ठीक है, चाणक्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस बालक को राजत्व की प्रतिभा तथा चिन्ह देखे। तत्काल उसके अभिभावक को उसकी शिक्षा दिशा के लिए 1,000 कसापन देकर उसे प्राप्त कर लिया। ठीक है, चाणक्य ने उसे क्या किया, 1,000, ठीक है, 1,000 कसापन देकर उसे प्राप्त कर लिया। चाणक्य ने उसे तहसीला के प्रख्यात विद्यापीठ में ठीक है शिक्षा के साथ साथ अप्रावैदिक विषयों और व्यावहारिक तथा प्रावधिक कलाओं पर भी दीक्षित करवाया। ठीक है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षा कहाँ से हुई, कहाँ से हुई चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा, सिला से ठीक है कहाँ से हुई, तहसीला से हुई। ठीक है, पश्चात तहसीला विश्वविद्यालय में उसे सैन्य शिक्षा भी दिलवाई जिससे चंद्रगुप्त मौर्य सैन्य विद्याओं तथा कलाओं में निपुण हो गया। इस तरह चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की धारा को एक नई दिशा में मोड़, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में कई विरोधाभासी अनुश्रुतियां भी दिया है। ठीक है, बौद्ध एवं जन साहित्य में मौर्य का अर्थ होता मयूर होता है। ठीक है, शब्द के साथ बताया गया, मुद्रा रक्षक नाट्य कृति में उसे ज्ञात कुल का बताया गया। ठीक है, अज्ञात कुल का मतलब निम्न कुल का भी कहा गया, पूछेगा चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल को किसमें कहा गया है, किसमें कहा गया है। ठीक है, तो मुद्रा राक्षस में कहा गया। ठीक है, मुद्रा राक्षस में इसको निम्न कुल का कहा गया। ठीक है, मौर्य, मोर से क्या होता था, मौर्य का मतलब क्या होता, मतलब इसका जो पालन पोषण जो किया था वैसे व्यक्ति ने किया था जो कि मोर पकड़ने का काम करता था। ठीक है, इसलिए मौर्य। बौद्ध ग्रंथ महावंश टीका से पता चलता है कि तहसीला में चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद चाणक्य तथा चंद्रगुप्त दोनों विभिन्न स्थानों से सेना के लिए सैनिक ढूंढने निकल पड़े। इस प्रकार जो सेना तैयार हुई उसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के सेनापति में रख दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह की बात करें, सेल्युकस निकेटर ने अपनी पुत्री सेल्यूसिया, ठीक है, कहीं कभी इसका नाम हेलेना भी मिलेगा, हेलेना भी इसका नाम था। ठीक है, इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख ठीक है केवल एपियानस ने किया है, किसने किया है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य का वैवाहिक संबंध का वर्णन किसने किया है, एपियानस ने किया, क्या नाम था, एपियानस ने किया, ध्यान रखेंगे। प्लूटार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्युकस को 500 हाथी उपहार में दिए, सेल्युकस भी खुश हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में 4 राज्य प्रदान दिया, ये पूछता है एग्जाम में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में क्या क्या नहीं मिला, क्या क्या मिला था, एरिया मिला था उसमें हेरात कहते थे, वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है, अराकोसिया मिला था कंधार में पड़ता है, जेड्रोसिया वो मिला था मरकान में पड़ता है, पेरिपिनसिडाई मिला था काबुल प्रदान किया गया था। हेरात, कंधार, मरकान और काबुल मिले थे, किसे मिले थे, दहेज में मिले थे, किसे मिले थे दहेज में, तो सेल्युकस निकेटर से दहेज में मिले थे। ठीक है, किसे मिले थे, चंद्रगुप्त मौर्य को मिले। सेल्युकस निकेटर कौन था, सेल्युकस निकेटर कौन था, बता सकते कोई आदमी, सिकंदर का राजदूत सिकंदर का राजदूत नहीं था, सिकंदर का मंत्री था, उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सिकंदर का उत्तराधिकारी था। ठीक है, सेल्युकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज था। ठीक है, सेल्युकस ने अपने राजदूत ठीक है मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजा। इस तरह चाणक्य और चंद्रगुप्त ने 325 से 323 ईस्वी तक 2 वर्ष युद्ध में उलझे रहे थे। यूनानियों का पराजित करने के पश्चात चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य उत्तरी और मध्य भारत अधिपत्य करते हुए मगध पहुंचे और पाटलिपुत्र को घेर लिया। युद्ध में मगध सम्राट घनानंद मारा गया, प्रजा भी उसे घृणा करती थी। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य को 321 ईसा पूर्व में मगध के राज सिंहासन पर आसीन हुआ। मिलिंद पन्हों में नंद और चंद्रगुप्त के बीच युद्ध का वर्णन आपको देखने को, मिलिंद पन्हों किन दो व्यक्ति के आपस में व्यक्तित्व का धर्म ग्रंथ है, मिलिंद पन्हों बता सकते हैं, मिनांडर बिल्कुल नागसेन नागसेन ठीक है, नागसेन, और मतलब नागसेन का जो कि मतलब बौद्ध क्या था, बौद्ध साधु थे, मीनांदर मिलिंद, ठीक है ध्यान रखें मिलिंद, ठीक है, जो कि मतलब राजा थे, ठीक है हिंदवन के राजा थे, हिंदी यूनानी थे। हाँ ठीक है, दोनों के आपस में बातें हैं, बात में मिलिंद जो था बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उसने मतलब बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसमें नागसेन के जवाब है। अब मिलिंद के बहुत ही बेतुके और बेहुदे प्रश्न है, ठीक है पढ़ेंगे तो बहुत हंसी भी आएगी, समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि दर्शन की बात है, आगे चलेंगे। चंद्रगुप्त बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जैन था, ध्यान में उसके शासनकाल के दौरान प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में ठीक है स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, जैन संगति कितने हुए, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, कितने जैन संगति हुए, दो हुए थे चंद्रगुप्त दो हुए, एक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूलभद्र स्थूलभद्र ने की थी। इस संगीति के पश्चात 14 पूर्व, ठीक है 14 पूर्व पुरानी जैन स्मृतिया के स्थान पर 12 अंगों की रचना हुई। ठीक है, 12 अंगों की स्थापना 14 पूर्व की जगह पर प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। ठीक है, जो पाटलिपुत्र वाचना के नाम से जाना जाता है, इसके पश्चात ही जैन धर्म में विकारों को लेकर श्वेतंबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। ठीक है, इसके बाद ही ठीक है श्वेतंबर और दिगंबर में विभाजित की बात करेंगे तो प्रथम जैन संगति में ही हो गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
मौर्य के समय ही अभिलेखों से पता चलता है कि मौर्य कालीन बिहार की भाषा पालियों में अधमगधी तथा लिपि ब्राह्मी थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेखों से क्या पता चलता है? से मौर्य कालीन बिहार की भाषा पाली एवं अधमगधी थी। पाली भाषा मुख्यतः बौद्ध लोगों के द्वारा बढ़ावा दिया गया। अधमगधी की बात करेंगे, प्राकृत भाषा को अधमगधी कहते थे। किसको कहते थे? कंफ्यूज मत होइएगा, प्राकृत को ही क्या कहते थे? अधमग्धी कहते थे देवी सजनों। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज होने का नहीं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तथा लिपि की बात करें, लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। चंद्रगुप्त मौर्य अपने विद्यावस्था में अपने गुरु भद्रवायु के साथ कर्नाटक के जैन स्थल श्रवण बेलागोला में चले गए। वहां पे जाते एक मेथड का प्रयोग करते, जिस मेथड को संलेखना कहते हैं, वही रहने लगे और उसी वही जैन परंपरा अनुसार संलेखना पद्धति से 298 ईसा पूर्व में देह को त्याग कर दिया। इसका उल्लेख जैन ग्रंथ राजावली की कथा से मिलती है। ठीक है, इसका उल्लेख जैन ग्रंथ किसकी? राजावली की कथा से आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यूनानी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य ने तीन नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। एक सेंड्रोकोटस है, इस शब्द का प्रयोग एस्टोरवो एरियन और जस्टिस ने किया है। ठीक है, सेंड्रोकोटस का नाम का प्रयोग किसने किया है? तो ध्यान में रखेंगे, किसने किया है? एस्टोरवो ने, एरियन ने, जस्टिस ने किया है। दूसरा जो है एंडोकोटस है, इस नाम का प्रयोग एपियानस ने किया है। ठीक है, प्लूटार्क ने किया है। ठीक है, एपियानस जो था चंद्रगुप्त मौर्य का वैवाहिक संबंध का चर्चा करता है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने घोड़ा या हाथी का उपहार अपने ससुर जी सेल्कस निकेटर को दे दिया था? कितने? डॉगी दिया, हाथी दिया, या फिर मतलब घोड़ा दिया? क्या दिया? हाथी हाथी दिया। इतना धीमी आवाज क्यों आ रहा है? अभी तो 10:30 हुआ है। ठीक है, हम तो 8 घंटा 9 घंटा रोज पढ़ाते हैं, लेकिन थक आप लोग जाते हैं। ठीक है, प्लूटार को दे दिया था। एंडोकोटस, इस नाम का प्रयोग निर्याकस ने किया। सेल्कस निर्याकस की बात करें, कौन था सेल्कस निर्याकस? तो सिकंदर के सेना में जल सेनापति हुआ करता था सेल्कस निकेटर। कौन था? जल सेनापति हुआ करता था। ठीक है, 28 फरवरी 1793 को सर विलियम जोन्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के सम्मुख बताया कि तीनों नाम चंद्रगुप्त मौर्य के ही थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन नाम थे? सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एक कहाँ गया? एक कहाँ गया? एंडो देखिए तो वो रहा है एंडो सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंडोकोटस। ठीक है, एक एंडोकोटस था। ठीक है, दोनों मिलता जुलता है। एपियानस ने क्या चर्चा किया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में? मेरिट वैवाहिक है संबंध। प्लूटार के अनुसार 500 हाथी उपहार में दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंडोकोटस शब्द का प्रयोग एस्टोरवो एरियन और जस्टिन ने किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एपियानस ने किस नाम का? एंडोकोटस का। ठीक है, अंड्रियाकस ने किस नाम का? तो एंड्रोकोटस का। याद रहेगा कि भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे होगा। आज क्या करूं, अशोक वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे समाप्त करूं कि बिंदुसार पढ़ा दूं? बताइए, जैसा बोलिए। अरे जैसा कीजिए। हम तो पढ़ा ही देंगे। ठीक है, बोलिए, बिंदुसार पढ़ा देगी, रहने दें। बिंदुसार ज्यादा नहीं होगा, अशोक ज्यादा होगा। बिंदुसार पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अशोक कर पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा से आज बिंदुसार पढ़ा दे रहे, केवल सुन लीजिए। बिंदुसार, बिंदुसार की बात करेंगे तो ये बेचारा अपने पिताजी का इतना ना, इन्होंने पिताजी ने इतना लंबा चौड़ा राज कर दिया था, तो बेचारा कुछ नहीं करता, शांति से बैठ के पिताजी को राज्य को संभालने में इनका समय लग जाता। ठीक है, एक भी राज्य का विजेता नहीं था, कुछ भी नहीं जीता, कुछ भी नहीं जीता। एक्चुअली में ये अपने परिवार का राहुल गांधी थे। ठीक है, ध्यान में रखना है। लेकिन एक बेचारे जो एक तिब्बत के एक जो बहुत विद्वान थे जिसका नाम तारानाथ, तारानाथ ने बोला से बिंदुसार जो थे 16 राज्यों का विजेता थे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों ने इनके बारे में बोला से इसने कुछ भी नहीं जीता था। ठीक है, हालांकि देखते हैं क्राउन ने क्या लिखा है। पुराण दीपवंश महावंश तथा सिंहली बौद्ध ग्रंथों में स्पष्ट हुए कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी की बात करें कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ध्यान रखेंगे, तो बिंदुसार था। अरे क्या हुआ, काम का नहीं कर रहा भाई, ठंडा लग गया क्या इसको? आर्य मंजू श्री मूलकल्प के अनुसार बिंदुसार उस समय अल्पवयस्क था। ठीक है, जैन साहित्य के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम क्या? दुर्धरा था। क्या नाम था? दुर्धरा था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ महाभाष के अनुसार बिंदुसार की पत्नी का नाम धम्मा तथा अशोकावदान में शुभदांगरी बताया गया। शुभदांगरी अशोक की माता थी। किसकी माता थी? अशोक की मम्मी का नाम क्या? सुब्रांगी बिल्कुल, शुभदांगरी था। ठीक है, बिंदुसार के शासनकाल तहसीला में 2 बार विद्रोह हुए। क्या बात हुई, काम नहीं कर रहा है, ठंड लग गया क्या इसको? बोल रहे क्लास रहने देने इसका पानी जानते, बहुत ठंडा होगा अभी ना, पहाड़ के बीच में पानी। जो लोग बोल रहे क्लास बंद करने के, उनको इसी में जाकर स्नान करना चाहिए।
आप देखेंगे यहाँ पे बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए? दो विद्रोह हुए। प्रथम विद्रोह को शांत करने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था, जिसने शस्त्र प्रयोग के बिना ही विद्रोह को शांत कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरे विद्रोह के लिए बिंदुसार के पुत्र दूसरे विद्रोह के लिए बिंदुसार ने पुत्र सुसीम को भेजा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दो विद्रोह हुए थे इसके शासनकाल में। प्रथम विद्रोह को शांत करने के लिए कहाँ पे विद्रोह हुआ? तक्षशिला में विद्रोह हुआ, ठीक है। सुसीम को भेजा, जैसे शस्त्र प्रयोग किए बिना ही, मतलब क्या किया अशोक ने, विद्रोह को शांत कर दिया। और दूसरे विद्रोह के लिए किसे भेजा था? तो सुसीम को भेजा था। बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस के प्रथम, एंटियोकस प्रथम के राजू डाइमेकस आता है, ठीक है, ध्यान में। डाइमेकस जो था किसके दरबार में आता है? बिंदुसार के दरबार में आता है राजदूत बन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राजदूत से प्रश्न पूछा जाता है, अगर पूछेगा चंद्रदूत मौर्य के दरबार में कौन आया, क्या बताएंगे? डाइमेकस, बहुत सुंदर। चंद्रदूत मौर्य के दरबार में डाइमेकस आए, यही अभी हम पढ़ा रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं ना। कौन आ रहे चंद्रदूत मौर्य के दरबार में? कोई नहीं आया था, कोई नहीं नहीं आया बस था। नहीं गेटर सर मेगा आया इथनीस कहाँ गया था? मेगा इथनीस आरती था उतारने आया था हेलेना का, कि दहेज में आया था वो, ठीक है। क्या आया था, क्या नाम था उसका? मेगा सर इथनीस, ठीक है, सेल्कस निकेटर का मेरे राजदूत था, ठीक है। वहां पे डाइमेकस को राजदूत बनाकर पाटलिपुत्र भेजा गया था, किसने भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस प्रथम, ठीक है, सीरिया का नरेश था ये, ठीक है, सीरियन नरेश था, ठीक है, और ये सेल्कस निकेटर का उत्तराधिकारी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर पूछेगा सेल्कस निकेटर का उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम, अगर पूछेगा मुगल, मुगल बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर पूछेगा मौर्य साम्राज्य में मेगा इथनीस का उत्तराधिकारी कौन था, डाइमेकस करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वह भी राजदूत, ये भी राजदूत। सीरिया नरेश, ठीक है, फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने, ठीक है, डायनोसियस का राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ठीक है। तो ये अशोक के समय भी रहेंगे, डायनोसियस की बात करेंगे, डायनोसियस किसके समय रहेंगे? तो बिंदुसार अशोक दोनों को समय में रहेंगे, या ऑप्शन में रहेगा, एक से अधिक मारिएगा। अगर ऑप्शन में अगर बिंदुसार रहे तो बिंदुसार दोनों एक साथ देगा नहीं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। तो सीरियन नरेश, फिलाडेल्फस टॉलमी, जिसको डोटिए के नाम से जानते हैं, तो डायनेसियस को मतलब क्या था, राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में आया था, इतना ध्यान में रखेंगे। चीनी ग्रंथ फाउन चू लिन में बिंदुपाल कहा गया है, वायु पुराण में भद्रसाल कहा गया, जैन ग्रंथ में सिंहसेन कहा गया, कुछ पुराणों में नारीसर कहा गया, ठीक है, सब किसका नाम है? बिंदुसार का नाम है। बिंदुपाल किसे कहा गया है चीनी ग्रंथ में? बिंदुसार को। भद्रसाल वायु पुराण में, जैन ग्रंथ में सिंहसेन, कुछ पुराणों में नारीसार, यूनानी लेखों ने अमित्रो, ये पूछता है यूनानी लेखों ने, ठीक है, इनको क्या कहकर पुकारा है? तो अभित्रो केडिस, अभित्रो जेडस, ठीक है, मित्रो चोर्स तथा अली चुत्रेदस, ठीक है, मतलब सारा अटपटांग नाम जो होगा त्रो वाला, वो सब मतलब यूनानी लेखक का दिया हुआ, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि वो विदेशों में भी सम्माननीय था, ठीक है। बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण कर ली, अर्थात जो शत्रुओं का नाश करना, परंतु वो शांति प्रिय और उदार भी था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या था, पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 25 वर्षों तक शासन किया, 273 ईसा पूर्व रोगग्रस्त के कारण उसकी मृत्यु होगी। इस घटना का उल्लेख स्थानीय शिलालेख तथा स्मारकों में देखने को मिला। कब इसकी मृत्यु होगी? 273 वर्षों के, गलत लिखा मैंने, 269 पढ़ा था कहीं पे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि तो इसके शासन बनने में 273 में इसकी मृत्यु हुई ना, यहाँ अशोक नहीं, ठीक है, 273 में इसकी मृत्यु होती है, ठीक है, अशोक शासक बनता है 269 में बनता है, 4 वर्षों के बाद बनता है, ठीक है, इसमें क्या लिखा अशोक के बारे में? हाँ, 269 वर्षों में, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही, मुझे याद आया, ठीक है, 4 वर्षों में अशोक शासन बनता है, 273 से लेकर 4 वर्षों में, तो 4 वर्षों तक अशोक क्या कर रहा था? क्योंकि बीच में तो कोई मौर्य शासक नहीं हुआ था, क्या कर रहा था भाइयों बताइए? को मार रहा घुमा रहा था। भाइयों का निपटा रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्या कर रहा था? भाइयों के निपटा रहा था 4 वर्षों में, ठीक है, मुझे तो चलिए आप चलेंगे कल के क्लास में, यहाँ से पढ़ेंगे अशोक से, हम लोग पढ़ेंगे अशोक, लंबा चलेगा, आई थिंक बिहार पढ़ने में मजा आ रहा होगा, आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिहार से टोटल 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री से कह रहे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, बताइए कोई डाउट? नो सर। ज्यादा रात हो जा रहा है क्या क्लास को? क्या 8 बजे से कर दे?